हाय एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जो है सब ग्रुप से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम के बारे में जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, फिर आगे जो है डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है थ्योरम आ चुका है। अब चलिए उसका स्टेटमेंट हम सबसे पहले जो है रीड करते हैं, फिर हम जो है इसको समझेंगे। If H1 and H2 are two subgroups of a group G, then H1 intersection H2 is also a subgroup of G। यहाँ पर देखिए, दो subgroup आपको given है, H1 और H2। तो ये दो subgroup के जो intersection होंगे, ये जो subgroup के, इन दोनों subgroup के जो intersection होंगे, वो भी हमारे क्या होंगे, इस G का एक subgroup होगा। गाइस, यहाँ पर H1 और H2 जो है ऑलरेडी subgroup है G का, ओके? तो हमें ये बताना है कि इनके intersection भी हमारे क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे। गाइज, इसके प्रीवियस में मैंने जो है एक सब ग्रुप का थ्योरम आप लोगों को प्रूफ करवाया है। उसमें मैंने आप लोगों के साथ नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन डिस्कशन किया था। क्या था थ्योरम? अ नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी टू बी अ सब ग्रुप। उसमें क्या देखा था कि अगर ए जो है एच का एक एलिमेंट है और बी जो है एच का एक एलिमेंट है, तो हमारा ए बी का जो इनवर्स है वो भी हमारा जो है एच में एग्जिस्ट करेगा। तो हमने ये चीज़ दिखाया था वहाँ पर, हमने नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में हमने देखा था कि अगर सब ग्रुप है ना, अगर सब ग्रुप है तो उसमें दो एलिमेंट एग्जिस्ट ज़रूर करेंगे। अगर सब ग्रुप है तो हमने दिखाया था कि ए बी का जो इन्वर्स है वो हमारे सब ग्रुप में बिलोंग करता है। और फिर हमने सफिशिएंट कंडीशन में ये देखा था कि अगर ए बी का जो इन्वर्स है वो अगर एच में बिलोंग करता है, तो हमारा जो है वो क्या हो जाता है, एक सब ग्रुप हो जाता है ना। तो हम जो है वही वाले थ्योरम का हेल्प यहाँ पर लेने वाले हैं। सो गाइज, आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप लोगों ने वो थ्योरम नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग उसको पहले देख लें। मैंने उसमें बहुत अच्छे से इजी वे में एक्सप्लेन किया है ना। पहले उसको आप लोग समझ लें, उसके बाद ये वाला थ्योरम देखें, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं जो है उस थ्योरम का लिंक, वीडियो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और साथ ही साथ इस आई टैब पर जाकर के भी आप लोग देख सकते हैं। सो चलिए अभी हम देखते हैं इसका प्रूफ। सो गाइज, हमारे पास जो है थ्योरम का प्रूफ आ चुका है। सो इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो हम प्रीवियस थ्योरम जो हमने किया था कि जो अगर ए एच में बिलोंग कर रहा है और बी भी अगर एच में बिलोंग कर रहा है, तो हमारा ए बी का जो इन्वर्स है वो भी किस में, एच में बिलोंग करना चाहिए। तब जाकर के हम उस एच को क्या बोल सकते थे कि उस जी का जो है एक क्या होगा, सब ग्रुप होगा। देखिए गाइस, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को उस थ्योरम के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा और बता देता हूँ। अगर देखिए, ए अगर एच में बिलोंग करता है और बी जो है अगर एच में बिलोंग करता है, तो हमारा जो है ए बी का जो इन्वर्स होता है ना, वो भी हमारा एच में बिलोंग कर जाता है। इसका मैंने प्रूफ आप लोगों को बता रखा है, तो आप लोग पहले उस वीडियो को देख ले, उसके बाद इसको देख ले, क्योंकि मैं उसी थ्योरम के हेल्प से इसको जो है प्रूफ करूंगा। सो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट एच वन एंड एच टू बी एनी टू सब ग्रुप ऑफ जी। ये जो एच वन और एच टू है वो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि जो है जी का क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। देन अगर देखिए, एच वन और एच टू जो है जी का सब ग्रुप है दो, तो अगर सब ग्रुप है तो सब ग्रुप क्या होता है, खुद में एक ग्रुप होता है। तो अगर खुद में एक ग्रुप है तो उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट जरूर करेगा, है ना। अगर दोनों हमारे सब ग्रुप है तो दोनों में कम से कम एक कॉमन एलिमेंट तो एग्जिस्ट जरूर करेगा ना, कॉमन एलिमेंट। और वो एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर होगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने वही चीज़ लिखा है कि देन एच वन इंटरसेक्शन एच टू डज नॉट इक्वल टू फाइव। अगर उन दोनों का जो है तो क्या होगा, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, कहने का मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, खाली नहीं हो सकता है ना, नल सेट नहीं हो सकता है। एक एलिमेंट उसमें जरूर होना चाहिए, और वो एलिमेंट हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पर, सिंस एटलीस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट मस्ट एग्जिस्ट इन बोथ एच वन एंड एच टू। अगर सब ग्रुप है तो नॉन एम्प्टी तो नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, तो वो एलिमेंट क्या होगा, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। सो फॉर प्रूविंग एच वन इंटरसेक्शन एच टू इज अ सब ग्रुप, वी हैव टू शो, अगर H1 इंटरसेक्शन H2 हमें एक सब ग्रुप प्रूव करना है तो हमें कैसे प्रूव करना पड़ेगा। देखिए, इफ A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, अगर A एक एलिमेंट है जो कि H1 इंटरसेक्शन H2 में है ना, एंड B एक एलिमेंट है वो भी हमारा क्या है, H1 इंटरसेक्शन H2 में है, तो हमें क्या दिखाना है, A B इनवर्स जो है H1 इंटरसेक्शन H2 में। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम बता सकते हैं कि जो है H1 इंटरसेक्शन H2 क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। वही थ्योरम जो है मैंने प्रीवियस में प्रूफ करके आप लोगों को दिखाया था। सो यही चीज हमें यहाँ पर बताना है। सो देखिए, नाउ इफ A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, तो अगर A जो है H1 और
एच टू के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? ए एक कॉमन एलिमेंट है जो कि एच वन में भी है और एच टू में भी है, तभी तो हम बता सकते हैं कि इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए, दिस इंप्लाई ए इज ए बिलोंग्स टू एच वन एंड ए बिलोंग्स टू एच टू, दोनों में होगा। एंड इफ बी बिलोंग्स टू एच वन इंटरसेक्शन एच टू, अगर बी जो है एच वन इंटरसेक्शन एच टू में बिलोंग कर रहा है तो दैट्स मीन इसका मतलब क्या है कि बी जो है एच वन में भी होगा और एच टू में भी होगा। तो हमने वही लिख दिया। सो यहाँ पर देखिए, सो ए बिलोंग्स टू एच वन और बी जो है एच वन, देखिए ए भी हमारा एच वन में बिलोंग कर रहा है और ये जो बी है वो भी हमारा एच वन में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ए जो है एच वन में बिलोंग कर रहा है, बी भी एच वन में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? ए बी का जो इन्वर्स है वो भी हमारा एच वन में बिलोंग कर जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंस एच वन इज अ सब ग्रुप, अगर सब ग्रुप है तो ये वाली कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होगी। ये नेसेसरी था, ये नेसेसरी है कि अगर ये कंडीशन हम दिखा देते तो हम बता देंगे डायरेक्टली, क्योंकि सब ग्रुप जो है हमारा क्या होता है? ग्रुप होता है, और ग्रुप होने के लिए चार प्रॉपर्टी उसमें सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो चारों प्रॉपर्टी दिखाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ जो है ए बी इन्वर्स जो है अगर दिखा देते हैं तो वही हमारा सब ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ हमने दिखा दी कि ए बी इन्वर्स जो है किसमें? एच वन में बिलोंग करेगा, सिंस एच वन जो है हमारा क्या है? सब ग्रुप है। सिमिलरली एंड ए बिलोंग्स टू एच टू, देखिए ए जो है हमारा एच टू में भी है और ए जो है हमारा क्या है? बी जो है क्या है? एच टू में भी है। तो ए अगर एच टू में है, बी जो है एच टू में है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सब ग्रुप की प्रॉपर्टी से ए बी इन्वर्स जो है वो भी हमारा किसमें? सब एच टू में जो है बिलोंग कर जाएगा। तो क्यों? क्योंकि हमारा एच टू जो है क्या है? एक सब ग्रुप है। तो देखिए ए बी इन्वर्स ये भी सब ग्रुप एच वन में है और ए बी इन्वर्स एच टू में भी है, दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है। सिंस ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच वन एंड ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच टू, दिस इंप्लाई ए बी का जो इन्वर्स है वो हमारा किसमें? एच वन इंटरसेक्शन एच टू में, क्योंकि कॉमन है ये दोनों। देखिए एच वन में भी ए बी इन्वर्स है, एच टू में भी ए बी इन्वर्स है, तो अगर इनका इंटरसेक्शन निकाले तो ए बी इन्वर्स किस में? एच वन इंटरसेक्शन एच टू में ही तो बिलोंग कर जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस चीज से हमें क्या मिलता है? इस चीज से हमें क्या मिलता है कि अगर एक एलिमेंट एच वन एच में बिलोंग करता है, ए एलिमेंट एच में बिलोंग करता है और बी एलिमेंट अगर एच में बिलोंग करता है, तो ए बी इन्वर्स भी हमारे जो है किस में बिलोंग कर जाना चाहिए? एच में बिलोंग करना चाहिए। तो अगर ए बी इन्वर्स एच में बिलोंग कर रहा है तो इसका ए बी इन्वर्स जो है एच वन इंटरसेक्शन एच टू में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ए जो है एच वन इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, बी जो है एच वन इंटरसेक्शन एच टू में बिलोंग करेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच वन इंटरसेक्शन एच टू। तो हो गया कि नहीं ये सब ग्रुप? क्योंकि सब ग्रुप की जो कंडीशन है वो हमने यहाँ पर फुलफिल करके दिखा दिया है, तो हम बता सकते हैं हेंस एच वन इंटरसेक्शन एच टू इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। सो गाइज, आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका सब ग्रुप, ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपसे पूछा जा सकता है। सो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, जहाँ पर भी डाउट हो मुझे आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि यहाँ पर डाउट है, समझ में नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, सो मैं आपको पूरा प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करूँगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।